हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट 2022 की, जिसमें हम लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी गलतियां हो जाती हैं और जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ गलती करके आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती जो होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वो होती है हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करने में। और जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पर, तब भी हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज करने में गलती कर देते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग डीप पे बात करने वाले हैं। इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल ये देखा गया है लाखों विद्यार्थी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और लैंग्वेज चूज करते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ और लैंग्वेज चूज करके आते हैं, जिससे उनके रिजल्ट में काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप ये गलती ना करें, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए लास्ट तक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सीटेट 2022 का जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है 30 अक्टूबर से। तो आई होप आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया होगा। अगर नहीं भी भरा है तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं। कि सबसे पहली बात यह है कि अब की बार जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, पहले आइए और पहले पाइए। आखिर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो ये हमारे सेंटर के रिगार्डिंग ये बात कही गई है कि पहले आइए और पहले पाइए। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को अगर पहले ही भर देते हैं आप, तो आपकी पसंद का जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और उससे एक और अच्छी बात निकल के आई है, जब आप लोग एग्जाम सेंटर को चूज करते हैं तो उसी समय कितने उसमें अभी रिक्त पद बचे हुए हैं, कितने विद्यार्थी अभी उसमें खाली है कि एग्जाम देने के लिए और कितने भर चुके हैं, दोनों चीजें उसी समय दिखा देता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, जिससे आप लोग अपने पसंद के सेंटर पर ही एग्जाम दे सके, वरना पेट की तरह आप लोगों को भी दूर जाना पड़ेगा सेंटर के लिए। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जो सीटेट ने बताया है, उन्होंने लैंग्वेज में 20 लैंग्वेज की बात करी गई। कितनी लैंग्वेज की? 20 लैंग्वेज दे रखी है, उसमें से हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल लोग चूज करते हैं बच्चे, वो यही चूज करते हैं, या तो इंग्लिश लेते हैं, या तो संस्कृत लेते हैं, या तो क्या करते हैं हिंदी लेते हैं, या फिर एक और है उर्दू लेते हैं। तो इसकी भी संख्या बहुत ही कम रहती है, लेकिन इंग्लिश संस्कृत और हिंदी की संख्या ज्यादा रहती है विद्यार्थियों में। अब आप चूज कैसे करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2? तो अगर आप लोगों ने उन 20 में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर ली है, जैसे मानिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया है, क्या चूज कर लिया, यहां पर हिंदी चूज कर लिया है, तो अब मेन बात आती है जो डाउट होता है, क्या हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर ली तो क्या लैंग्वेज 2 में भी हम लोग हिंदी चूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, आप चूज नहीं कर सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ही चूज करनी है। अगर आपने हिंदी 20 लैंग्वेजेस में जो सीटेट ने दे रखी है उसमें से आपने हिंदी चूज किया है, तो यहां पर लैंग्वेज 2 में कोई डिफरेंट, हिंदी को छोड़कर जो 19 लैंग्वेज बची है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है। अब आप चाहे तो यहां संस्कृत भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, आप चाहे तो उर्दू भी ले सकते हैं। तो सपोज कर लिए आपने यहां पर ले ली इंग्लिश। तो ये था हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय, हमने लैंग्वेज 1 में क्या फिल किया, हिंदी, लैंग्वेज 2 में फिल किया इंग्लिश। तो ये आपने चूज किया, ये अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, लेकिन सेम लैंग्वेज नहीं रह सकती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अब एप्लीकेशन फॉर्म में तो लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज कर लिया, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर लिया, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब तक आप भूल चुके होते हैं कि हमने लैंग्वेज 1 में क्या चूज किया था और लैंग्वेज 2 में क्या चूज किया था। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है उसको अच्छे से रखिएगा और देखिएगा एग्जाम देने से पहले कि लैंग्वेज 1 में हमने क्या चूज किया था और लैंग्वेज 2 में क्या चूज किया था। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यह मत करिएगा कि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में चूज कर लिया, क्योंकि आप एग्जाम सीबीटी मोड में होता है तो वहां पर ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज 1 में कर दे
और हिंदी को लैंग्वेज टू में कर दें तो आपका रिजल्ट में दोनों के ही मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बहुत ही रिजल्ट आपका खराब आएगा। लाखों विद्यार्थी हर साल यही गलती करते हैं कि जैसे आपने हिंदी चूज करी है तो आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी लैंग्वेज वन में आप हिंदी करेंगे, ना कि आप इंग्लिश करके आएंगे। तो हिंदी करेंगे, लैंग्वेज टू में आपने इंग्लिश चूज करी है तो आप इंग्लिश चूज करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा हिंदी, यहाँ पे लैंग्वेज वन में एग्जाम देने गए तो इंग्लिश कराए लैंग्वेज वन में, लैंग्वेज टू में भरा आपने इंग्लिश, यहाँ पर कराया आप हिंदी, तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो ये फिर अब नेक्स्ट ईयर ही आप सही कर पाएंगे। इतनी मुश्किल में ही सीटेट 2022 का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो आप ये बड़ी गलती से बचिए और इस बात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए लैंग्वेज को चूज करने में, कहीं वो ऐसा ना करें कि कैफे वाले की बात पर आके वो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू चूज कर ले। ये आपके अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपकी मजबूत क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है। आपकी यहां पर अगर संस्कृत में पकड़ है तो आप संस्कृत चूज कर लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप यहां पर हिंदी चूज कर लीजिए। मतलब सेम नहीं हो सकता है, अगर आपने यहां हिंदी लिए तो फिर यहां पर हिंदी नहीं आ सकती है। तो आज के वीडियो में आपको बस यही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।